गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके बारह वाले वीर। सो गाइस जैसा कि आपको पता है हम चले हुए थे रात को इधर रामसू के पास में आके रुक गए थे, तो अभी फिलहाल चल पड़े हैं। टाइम हो गया सुबह के 8:15, तो चले हुए हैं भाई। ये इधर शेर भी क्रॉस कर दिया, आस्ते आस्ते चले ही हुए हैं। ज्यादा टाइम जाना करते हुए व्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू और लेट्स गो। तो भाई पहुंच आए हैं बनहाल। ये चेक करो इधर का व्यू पहाड़ का, और हम आस्ते आस्ते हम चलते रहेंगे। यूरिया डालना है बस आगे जाके गैरेज में, और एक चक्का लीक कर रहा है उसको भी चेक कर लेंगे। तो भाई चले हुए अपना कंटिन्यू सुबह, तो और अभी हम पहुंच आए हैं बनहाल क्रॉस कर दिया। एंटर हो जाएंगे अभी टनल में, टनल पार कर दिया अपने को आगे का कश्मीर वैली। तो लद्दाख ट्रिप अपना कंटिन्यू है, तो रास्ता पे चलेंगे हम, जा रहे हैं। बाकी चाय पियेंगे आगे जाते हैं, नमकीन चाय, ये शीशे खराब है। ठीक है भाई ये चेक करो भाई, इधर का व्यू भी देख लो। वहाँ उधर से पहले रास्ता जाता हूँ, भाई पहुंच आए हैं बीच बिहाड़े में। तो अभी जा रहे हैं लद्दाख की तरफ। टाइम हो गया है 11:30, तो अभी आज तो पार नहीं हो पाएगा सोनमर्ग क्योंकि लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते जाएंगे। तो भाई अवंतीपुरा कर दिया क्रॉस, तो अभी बारिश लगी है इधर बहुत जोर की, देख लो बारिश। चल रहे हैं अभी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, बहुत तेज बारिश लगी हुई है। सो गाइस हम पहुंचे थे इधर सुंबल में, तो अभी अब बना रहे हैं अपना खाना। सब्जी बना दिया है इस कुकर में, अब इसमें रखे हैं चावल और खाना वगैरह खाएंगे। भूख लगी है अभी नहीं, अभी नहीं लगी नहीं। 3 बज गए हैं भाई, तो अपना टाइम लेट हो गया आज, थोड़ा जगह नहीं मिली रुकने की कहीं पे, तो इसलिए भाई तैयार चेक करो। एक ये बाइक की गाड़ी है इधर, ये हम साथ में भर के आए थे चक्कर, अभी फिर खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस तो पूरा दिन हम रुके हुए थे वहाँ सुंबल में, तो अभी निकल पड़े हैं आस्ते आस्ते। सोनमर्ग रह गया यहाँ से 80 किलोमीटर, तो चलते हैं भाई आस्ते आस्ते सोनमर्ग में ही जाके रुकेंगे अब, क्योंकि चढ़ाई भी आगे टाइम बहुत लगता है। आस्ते आस्ते चलते हैं वहाँ तक, तो चलो उधर जाके स्टॉप मारेंगे रात को। अब सुबह कांटा वगैरह होगा तो कल जाएंगे। चले हुए हैं, बारिश बहुत खतरनाक लगी हुई थी दिन भर से, तो रुके थे उधर सुंबल में। अभी हम पहुँचने वाले हैं सोनमर्ग, रह गया यहाँ से 15-20 किलोमीटर और बस पहुँच जाएंगे ठिकाने पर। फिर वही खाना शाना खा के सो जाएंगे, कल कांटा वगैरह होगा, कल 2 बजे जाएंगे उसमें। तो चलो अपना कंटिन्यू सफर है, बाकी पहुंच के सोनमर्ग का व्यू बनाएंगे आपको। फिलहाल अभी चल रहे हैं, चढ़ाई वाला पैर है ना, थोड़ा टाइम बहुत लगता है चढ़ाई पे चलना चक्के को, तो इसलिए अभी चल रहे हैं आस्ते आस्ते। चलो लेट इस गो। सो गाइस चले हुए हैं कंटिन्यू, लगी हुई है बारिश, और बारिश की वजह से ना अपना यहाँ देख लो बाहर दरिया कितना तेज आ रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन चलो
साथ लगी हुई है कंटिन्यू। अभी हम सोनामार्ग ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे, बस 4-5 किलोमीटर रह गया। तो भाई आगे सोनामार्ग में एंटर हो गए हैं, देख लो अभी लाइटें शाइटें लग के कितने मस्त अल्लाह लग रहा है ना। पहले यहाँ पे पता ही नहीं होता था, तो अब कितना मस्त प्लेस बन रहा है यहाँ पे। अब आज हम इस ट्राले को फर्स्ट टाइम अंदर सिटी से ले रहे हैं, नहीं तो पहली बार ही बाईपास से गए थे, आज हम सिटी से ही ले रहे हैं। तो चलो यार चेक करो भाई, यार टूरिस्ट की गाड़ियाँ शाड़ियाँ आती हैं, आज बारिश की वजह से थोड़ी कम होंगी तो निकल जाएंगे हम भी। ये नया रोड बना है अभी सोनामार्ग गगनगीर। चलो बढ़िया रोड बन गया भाई। सोनामार्ग ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर रह गया, आज हम पुराने वाले रोड से आए। बारिश इतनी भयंकर लगी हुई है ना, ऊपर तो वाला ही रहम करे, रब ही रहम करे, बहुत डेंजरस बारिश लगी हुई है। तो ये देखो भाई, तो भाई पहुंचने वाले सोनामार्ग, तो जैसे ही सोनामार्ग नजदीक आया तो दानशे को ठंड लगने लगी। ठंड लग रही है इधर, बहुत ठंड है ना। चलो बाबा अब जाके सो जाएंगे आराम से, मेरे को लगता है इस कंबल में रात को ठंड लगेगी। एक और है ना, तो भाई चलो कोई बात नहीं, अब हम पहुंचने ही वाले सोनामार्ग। अगर दिन होता ना तो बढ़िया व्यू देखने को मिलता आपको सिटी में, फिर भी कोई बात नहीं। चलो वो आ गया सोनामार्ग का सिटी, वहां पे उधर सामने वो सिटी है भाई। सोनामार्ग का व्यू देख लो, मतलब अभी रात है तो रात की बात ही अलग है, दिन में नहीं तो क्या मस्त देखने को मिलता आपको। फिलहाल यहाँ आके दुकानें खुली होंगी, हम पकड़ लेंगे दूध सुबह चाय शाय बनाने के लिए, बाकी अपना राशन पानी तो है ही है। आगे हैं भाई सोनामार्ग मार्केट क्रॉस करके, और यहाँ से अंदर एंटर होंगे ग्राउंड के अंदर। सुबह कांटा होगा वो देख लो, सामने लिखा है ट्रक टर्मिनल सोनामार्ग। ये आगे पार्किंग में थोड़ी है ना, अंदर आगे हैं भाई सोनामार्ग के ग्राउंड में। यहाँ पे कितनी गाड़ियां हैं वो भी बता देंगे आपको, हम फर्स्ट में लगा लेते हैं आगे ही है ना, क्योंकि बढ़िया रह जाएगा। ओ तेरी ये तो लेन लगी है, देख लो भाई 4-5 ही गाड़ियां हैं, तो अपनी अच्छा लेन लगी है। तो गाइज अपना खाना अभी रेडी हो गया, दिन में बनाया था अपने चिकन और अपना चावल, तो अभी फिर हमने चावल ही बनाया अभी, तो खाना वगैरह खाते हैं और ये ब्लॉग भी यही पे एंड कर देते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो भाई कल से आपको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेंगे लद्दाख में, जुजिला पास, नमकीला पास, फुर्तीला पास, कौन कौन से पास आएंगे सब बताएंगे भाई। तो
चलो अभी एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।